हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वीडियो ऑफ क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, रिलीजियस फेस्टिवल्स, हमारे धार्मिक त्योहार। फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेशंस ऑफ स्पेशल हिस्टोरिकल इवेंट्स। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। वी हैव डिफरेंट कल्चर्स। फेस्टिवल्स यूनाइट पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड। इन इंडिया वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। दे स्प्रेड जॉय एंड हैप्पीनेस अराउंड अस। फेस्टिवल क्या होता है? त्योहार एक सेलिब्रेशन होता है। किस चीज का? स्पेशल हिस्टोरिकल इवेंट, जो हमारे स्पेशल डेज होते हैं। ठीक है, भारत क्या है? त्योहारों की धरती है। हमारे पास बहुत सारे कल्चर्स हैं। फेस्टिवल क्या करता है? लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, अलग अलग कास्ट के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को। भारत में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। फेस्टिवल क्या करते हैं? खुशियां फैलाते हैं चारों ओर। होली, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ऑन दिस डे पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एंड गुलाल ऑन वन अनदर। होली क्या है? कलर्स का फेस्टिवल है। इस दिन हम क्या करते हैं? रंगा हुआ पानी एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और गुलाल भी एक दूसरे को लगाते हैं। होलिका इज बर्न टू मार्क द एंड ऑफ एविल। होलिका क्यों जलाई जाती है? बुराई खत्म करने की चीज को दिखाने के लिए, कि बुराई खत्म हो रही है, उसके लिए होलिका जलाई जाती है। देखिए यहाँ पर सारे बच्चे एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं, ऐसे ही मनाते हैं ना हम होली। आ जाइए नेक्स्ट पर, दशहरा। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू द मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। ये दिन क्यों मनाया जाता है? किस चीज के लिए? कि बुराई पर अच्छाई की जीत। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड रावणा। इस दिन राम जी ने रावण को मारा था, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। इट स्टार्ट्स विद रामलीला। इसको विजयदशमी भी बोलते हैं। दशहरा को रामलीला से शुरू होते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days। ऑन द 10th डे दशहरा पीपल बर्न एफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाद। इस दिन क्या होता है? दशहरा कौन सा दिन होता है? 10वां दिन होता है रामलीला का। ठीक है, इस दिन क्या करते हैं लोग? रावण कैसे पुतले बनाते हैं, पुतले बनाकर उनको जलाते हैं। किस किस का पुतला? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का। दिवाली, दिवाली जिसको हम दीपावली भी बोलते हैं, इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या विद सीता एंड लक्ष्मण आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये किस चीज का फेस्टिवल है? लाइट्स का। हम लाइट्स चारों ओर रोशनी ही रोशनी होती है, है ना। इस दिन लॉर्ड रामा अयोध्या आए थे। राम जी अयोध्या आए थे सीता और लक्ष्मण के साथ। किसके बाद? 14 साल के वनवास के बाद आए थे। We wear new clothes on this day. We light earthen lamps, candles and have fun with crackers. We worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi. Deepavali brings joy and happiness to all of us. हम इस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना, दिए जलाते हैं और पटाखे भी जलाते हैं। हम इस दिन क्या करते हैं? गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दिवाली वाले दिन सब खुश होते हैं, है ना। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पीपल ऑफ बंगाल। दुर्गा पूजा सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है कहाँ के लिए? बंगाल का। ऑन दिस डे पीपल वर्शिप गॉडेस दुर्गा। दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ईट स्वीट्स एंड अदर स्पेशल फूड्स। इस दिन वो क्या करते हैं? दुर्गा जी की पूजा करते हैं, है ना, और इस दिन वो नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां खाते हैं और अलग अलग स्पेशल फूड्स भी बनाते हैं। गुरुपुरब, गुरुपुरब मार्क्स द बर्थडे ऑफ द सिख गुरुज। गुरुपुरब किस दिन मनाया जाता है? ये दर्शाया जाता है कि इस दिन सिख गुरुओं का जन्म हुआ था। पीपल गो टू गुरुद्वारा टू वर्शिप। दे ईट इन अ कॉमन किचन का लंगर। पीपल क्या करते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं पूजा करने के लिए और वो सब साथ में खाना खाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लंगर। ईद उल फितर, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ये मुस्लिम्स का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। द मुस्लिम फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। ईद उल फितर मार्क्स द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान।
मुस्लिम क्या करते हैं, व्रत रखते हैं रमजान के महीने में, और ईद उल फितर एंड में आता है, बिल्कुल लास्ट वाला डे होता है रमजान के महीने का। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, प्रे इन मॉस्क्यूज एंड ईट सेवैया। और क्या करते हैं, पीपल नए नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद में पूजा करने जाते हैं और सेवैया खाते हैं। क्रिसमस, इट इज द फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस। ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड टू द मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन दिसंबर 25। क्रिसमस ये किस लिए मनाया जाता है, कि ये बर्थ होता है, जन्म होता है जीसस क्राइस्ट का ऑन दिसंबर 25। क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड विद गिफ्ट्स एंड टिंसल्स। सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन। पीपल गो टू चर्च ऑफर प्रेयर्स। इस दिन क्या होता है, देखिए ऐसे ऐसे हम ट्रीज को डेकोरेट करते हैं गिफ्ट्स के साथ। सेंटा क्लॉज क्या लाते हैं, हमारे लिए गिफ्ट लाते हैं चिल्ड्रंस के लिए, है ना। पीपल क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं और प्रे करते हैं। पोंगल, पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। राइस इज कुक्ड विद मिल्क एंड जैगरी। पोंगल क्या है, ये किसानी त्योहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। चावल पकाए जाते हैं दूध और गुड़ के साथ। काउ आर वर्शिप्ड, गाय की भी पूजा होती है। पीपल फीड देम विद पोंगल केक्स, उनको पोंगल केक्स खिलाए जाते हैं। पोंगल सेलिब्रेशंस कंटिन्यू फॉर 4 डेज। द सन गॉड इज ऑल्सो वर्शिप्ड। पोंगल सेलिब्रेशन जो होता है 4 दिनों तक मनाया जाता है और सूर्य भगवान की भी पूजा होती है। ओणम, ओणम इज द मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल ऑफ केरला। ओणम क्या है, सबसे बिल्कुल खुशियों का त्योहार सबसे ज्यादा केरला का है। दिस इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये भी एक किसानी त्योहार है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद लाइट्स एंड फ्लावर्स। लोग क्या करते हैं, लाइट से अपने हाउसेस को जगमगाते हैं और फ्लावर्स से भी सजाते हैं। पीपल हैव बोट रेस, इस दिन क्या होती है, बोट रेस होती है। द दे वर्शिप विष्णु एंड किंग महाबली। वो किसकी पूजा करते हैं, विष्णु और किंग महाबली की पूजा करते हैं इस दिन। ओके बच्चों, ये थे हमारे सारे रिलीजियस फेस्टिवल। थैंक यू सो मच।